बताया। बिकट बनी के बीच नींबू पहुंच गओ बलदारी। जवाब दिया राजा शंतनु जिस समय में घोड़े पर सवार होकर के और शिकार खेलने के लिए आगे बड़े ही महाराज, तो बताया देखा है राजा शंतनु ने आगे बढ़ करके कि उसी जंगल में मेरे भैया राजा शंतनु जिस वक्त शिकार खेलने के लिए चले ही आज आगे के लिए बढ़ते चले गए। महाराज देखा है राजा शंतनु ने कि एक बहुत सुंदर बगिया है, पुरवाई की हवा चल रही है, सुंदर सुंदर पुष्प है उस बगिया में। महाराज राजा शंतनु ने जिस समय अपने घोड़े को वही खड़ा कर दिया है और महाराज घोड़े से जैसे नीचे राजा शंतनु उतरे हैं, तो ध्यान रखना देखा है राजा शंतनु ने कि उस बगिया के अंदर एक बहुत सुंदर बिटिया बैठी है। महाराज जब उस कन्या को राजा शंतनु ने देखा है, आज राजा शंतनु मोहित हो गए। लेकिन जो कन्या थी महाराज वो गंगा थी। आज जैसे ही गंगा ने राजा शंतनु की तरफ देखा है तो उसी समय इशारा दिया है इधर आओ। राजा शंतनु जैसे ही पास में पहुंचे ही जवाब दिया क्या बात है, तो बोली है वो कन्या मैं देख रही हूँ महाराज काफी देर से आप हमारे मुखारविंद की तरफ देख रही हो, क्या बात है। महाराज जैसे ही इतने शब्द सुने ही राजा शंतनु तो जवाब दिया अगर पूछना चाहती हो तो बात ये है सुनो। कि तेरी प्यारी सी सुरतिया और बनी है मुरतिया, ए रूप रंग तेरा भोला, मनुआ डगमग डोला मेरा, मनुआ डगमग डोला चाहती हो तो सुनो बात ये है, तेरी प्यारी है सुरतिया, तेरी प्यारी सी सुरतिया बनी है मुरतिया, रूप रंग तेरा भोला,
राजा संतनु।